दोस्त आज यहाँ पे से खेलने वाले स्ट्राइक फाइटर बॉक्स, तो ये वीडियो का पार्ट टू है। इसके बाद मैंने आपको ये मिनी गन, ये फ्लेम थ्रोअर और ये स्नाइपर और ये पिस्टल के बारे में बताया था। तीन दो मेरा भाई इसको देख सकता बोलता है। तो ये इनकी पावर असल में है क्या, ये नॉर्मल पिस्टल से इनमें अलग क्या है ना। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, तो अब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट। ये देखो, ये है RPG। अब आपको पता, आपको तो पता होगा कि RPG कितना खतरनाक होता है ना, कितना खतरनाक होता है RPG। और देखो इसमें उसको निकाले तो कैसे मारेगा। लेयर टू, हाँ तो ये जो रहता है ये असल में इसमें आप स्कोप कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। ये देखो, ये हाँ ये थोड़ा गेम अटक गया था। देखो आप इसमें किसी इसको स्कोप कर सकते हो। ये देखो स्कोप कर लिया, हटा लिया है ना, ये इसमें आप स्कोप कर सकते हो। आप जैसे नॉर्मल RPG में स्कोप नहीं मिलेगा। और फिर आता है अपना ये स्नाइपर। अभी मैंने आपको पिछले में इसका बताया, तो ये क्या है, ये नॉर्मल स्नाइपर से ये देखो डैमेज होता है। कभी इसमें बॉडी शॉट से कभी कभी डैमेज कम हो जाता है, जैसे कि बॉडी शॉट में उठ जाता है तो फिर हमारे, अरे बॉडी शॉट में 100 नहीं होता है इसमें कभी कभी हमेशा है ना, तो बॉडी शॉट में कभी कभी 80 हो जाता है। तो इसलिए इससे हमें बचने, तो फिर उससे क्या होता है, वो आदमी किल नहीं होता जब तक हम उसको मारते, जब तक वो हमें देख के वहाँ से भग जाते हैं। तो ये देखो मैं इसको मार रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है, 2 गोली में 3 गोली में है ना। अब मैं यहाँ पे कार स्पॉन करता हूँ, ठीक है ना, कार स्पॉन नहीं हुई है। अरे ये थोड़ी, ये अब देखो 1 गोली में खत्म है ना। ये रहता है इन दोनों का अंतर, वो गोली चले खत्म गया। तो ये रहता है, और मिनी गन भी एकदम बहुत तेज मारती है। हाँ तो फिर अब मैं आपको बताऊँ, तो इसका इसका ये पावर, इसका पावर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बाय बाय, पे इसको मार के बातें करनी है, ठीक है, मैंने बाय भी नहीं करनी। हाँ तो बाय बाय।